नमस्कार, वैश्वपा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चेतना चौधरी। चले रुक करते व्यापार जगत से जुड़ी कुछ खास खबरों की ओर। बहराइच जिले के नानपारा कोतवाली के अंतर्गत आने वाले एक मंदिर में एक साधु की निर्मम हत्या किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। साधु बीते कई सालों से मंदिर में रहकर पूजा पाठ कर रहा था। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही मृतक साधु के भाई की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ग्वालियर अग्रवाल परिचय सम्मेलन समिति का 29वां एक दिवसीय अग्रवाल युवक युवती परिचय सम्मेलन राजेश एरन एब दतिया अग्रवाल समाज के सहयोग से दतिया में आयोजित किया गया, जिसमें 125 युवक युवतियों ने अपना परिचय मंच से दिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नरोत्तम मिश्रा, कैबिनेट मंत्री मध्य प्रदेश शासन अध्यक्षता अवधेश नायक, राज्य मंत्री मध्य प्रदेश भी मौजूद थे। साथ ही इस अवसर पर नीलम शाह अध्यक्ष महिला समिति, विनोद अग्रवाल, मोनू गोयल, अजय अग्रवाल, पीयूष अग्रवाल, मालती गोयल सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। सोहना कस्बे से एक 25 वर्षीय लड़की के गायब होने का मामला सामने आया है। ये लड़की वार्ड नंबर 16 मोहल्ला पठानवाड़ा में रहती थी। पीड़ित लड़की के परिजनों ने पुलिस से लड़की को भगाए जाने की शिकायत दर्ज कराई है। वहीं थाना प्रभारी मुकेश कुमार ने कहा है कि पुलिस जल्द ही मामले का खुलासा कर देगी और लड़की को बरामद कर सौंप दिया जाएगा। वाराणसी में काशी रोनियार वैश्य समाज की एक बैठक का आयोजन किया गया। साथ ही इस मौके पर उत्तरी वाराणसी से ऐतिहासिक जीत हासिल करने वाले रविंद्र जायसवाल को उनकी जीत के साथ साथ व्यापारियों के लिए उठाए गए कदम के लिए भी सराहना दी गई। इस मौके पर जायसवाल ने कहा कि मैं हमेशा ही वैश्य समाज के उत्थान के लिए कार्य करता रहूंगा। काले धन पर लगाम और डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए 500 और 1000 रुपए के पुराने नोटों का चलन बंद करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कदम से देश की अर्थव्यवस्था को करीब 5 लाख करोड़ का लाभ हुआ है। बता दें कि सरकार के एक उच्च स्तरीय आंतरिक आकलन रिपोर्ट में ये बात कही गई है। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे खबरों के साथ। समस्या तो हर जगह होती है, लेकिन समस्याओं का निवारण करना ही उचित होता है। सिस्टम तो खराब हो जाता है, लेकिन सिस्टम को सही करना ही अच्छा होता है, जिसे हमें खुद सही करना होगा, क्योंकि हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि हम खुद सिस्टम का हिस्सा हैं। आज सिस्टम को चलाने के लिए एक युवा प्रत्याशी की जरूरत है, ताकि वो सिस्टम को बोझ नहीं अपनी जिम्मेदारी समझे। सबको सम्मान, सबको अधिकार। इस बार युवा प्रत्याशी होंगे जितेंद्र कुमार। जितेंद्र कुमार युवा है, नेक है, ईमानदार है और हमारे वार्ड नंबर 1 के प्रति वफादार है। तो फुलवारी नगर परिषद के वार्ड नंबर 1 के प्रत्याशी जितेंद्र कुमार को भारी मतों से विजय बनावे, जिनका चुनाव चिन्ह है वायुयान यानी हवाई जहाज। याद रखिए दोस्तों, युवा लोग ही हमारे इंडिया का भविष्य है, तो क्यों ना युवा को आगे रखकर अपने वार्ड को आगे रखें, ताकि देश भी आगे रहे। वार्ड के विकास के लिए वायुयान यानी हवाई जहाज के बटन को दबाकर भारी मतों से विजय बनाए। जितेंद्र कुमार में जोश है, कुछ करने की ललक है, ऊर्जा है और सबसे बड़ी बात, वह जमीनी स्तर से लोगों से जुड़े हुए हैं, जिससे दूसरे लोगों की समस्या को अपनी समस्या समझते हैं। आज आपके वार्ड को एक ऐसे ही प्रत्याशी चाहिए, ताकि वार्ड के साथ साथ लोगों के जीवन में भी सुधार हो। जितेंद्र कुमार में ये सारे गुण हैं, जिससे वो लोगों के जीवन में सुधार कर सकते हैं। याद रखिए भाइयों और बहनों कि ईवीएम मशीन के क्रम संख्या 2 में वायुयान और हवाई जहाज में बटन दबाकर जितेंद्र कुमार को विजय बनावे। सबका सम्मान, सबका अधिकार। वार्ड को चाहिए जितेंद्र कुमार। कुछ करिए, नस नस मेरी खोले, हाय कुछ करिए, कुछ करिए, कुछ करिए, बस बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए, ओ कोई तो चल जिद फड़िए, तू बेतरिए या मरिए, हाय कोई तो चल जिद फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है और चलिए नजर डालते हैं खबरों पर। पहले ही सफर में तेजस एक्सप्रेस में चोरी, हेडफोन उठाकर ले गए यात्री, ट्रेन को भी पहुंचाया नुकसान। रेलवे अधिकारी के मुताबिक ट्रेन से करीब 12 हाई क्वालिटी के एयरफोन चोरी किए गए हैं। कुछ सूचना देने वाली स्क्रीन की भी चोरी होने की खबर है। जमीन जायदाद क्षेत्र का शीर्ष निकाय नारेडको ने जीएसटी के तहत रियल एस्टेट क्षेत्र पर 12% कर लगाने के फैसले का
स्वागत करते हुए कहा है कि मकान की कीमतों पर मुद्रास्फीति दबाव नहीं पड़ेगा। साथ ही संगठन ने यह भी कहा है कि 1 जुलाई से माल और सेवा कर के प्रभाव में आने से कर प्रभाव ना तो खरीदारों और ना ही डेवलपर्स के लिए बढ़ेगा। केंद्रीय कैबिनेट ने नोएडा ग्रेटर नोएडा मेट्रो कॉरिडोर प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना के लिए 5.503 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है। ये मेट्रो कॉरिडोर 29.70 किलोमीटर लंबा होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी। सरकारी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर भारत संचार निगम लिमिटेड और इनमाल सेट ने आधिकारिक तौर पर एक नया भारतीय GSPS का ऐलान किया है, जिससे इनमाल सेट की चौथी पीढ़ी के सैटेलाइट के माध्यम से सरकारी और निजी क्षेत्र के ग्राहकों को सैटेलाइट फोन सेवाएं मुहैया कराई जा सकेंगी। साथ ही एक बयान में कहा गया है कि इससे सरकार को रक्षा सेवाओं, इंडस्ट्री, समुद्री व्यापार और भारत के दूर दराज के समुदायों के लिए सुरक्षित संचार की सेवा मुहैया कराने में मदद मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी मूडीज ने चीन की साख रेटिंग घटा दी। उसने चेतावनी दी है कि चीन की अर्थव्यवस्था में आने वाले वर्षों में आर्थिक वृद्धि में संभावित सुस्ती को देखते हुए कर्ज बढ़ सकता है। एजेंसी ने चीन की स्थानीय मुद्रा की दीर्घकालिक और विदेशी मुद्रा इशू रेटिंग को AA3 से घटाकर A1 कर दिया है। मेरे साथ व्यापार जगत से जुड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए विश्व व्यापार न्यूज। नमस्कार। Audio Jungle.